अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड बाय आयशा। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा जैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेब को काट लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। आधा किलो हमने सेब लिए हैं, इसका बीजों वाला हिस्सा हम निकाल लेंगे और सेब छील कर बारीक काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखें इस तरह के आपने पीसेस करने हैं। इस तरह से आप पीसेस कर लें। और ये वाला कप मैंने पानी का ऐड किया, एक छोटा कप ऐड किया पानी का। चलिए जब ये बॉइल हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने फ्लेम को रखना है हाई और ढक्कन ढक देना, और तब तक इसको पकाना जब तक ये कंडीशन ना आ जाए। अब हम चेक करके देखेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है, अब ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर तक। ये हमारे पास जग है, इस जग में हम ग्राइंड कर लेंगे। आप ये मत समझिएगा कि ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, नहीं, ये दानेदार ही रहेगा। जब ये ठंडा होगा तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। अब आपने आंच को कर लेना तेज, और इसके अंदर हम एक प्याली भर के चीनी डालेंगे। ये हम हाफ के जी का बना रहे हैं, आप एक हाफ के जी भी चीनी डाल सकते हैं। मैंने एक प्याली डाली है। ये आप देखिएगा, अब यह पतला होना शुरू होगा। ये बिल्कुल पतला हो गया, अभी ये थोड़ी देर बाद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसमें डालूंगी एक दालचीनी का टुकड़ा और पिसी इलायची। देखिए माशाल्लाह इतना खूबसूरत कलर आया, बिल्कुल येलो कलर का बन रहा है। ये हमारे सेबों का कलर बहुत अच्छा था। तीन लेमन का जूस ऐड कर देंगे। आप जैम को जब तक मर्जी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब भी नहीं होगा। ये देखें जी, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये देखें, अभी इसे थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। सिर्फ 2 मिनट हम और पकाएंगे। ये देखें, इसके चेक करने का तरीका ये है। हमने प्लेट में जैम डाला है, अगर इसमें पानी नज़र आए तो समझ जाएं कि अभी ये तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये हमारा जैम अब बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने पर जार में डालेंगे। ये देखें, मैंने बिल्कुल साफ़ करके रखा हुआ है जार, पानी बिल्कुल खुश्क कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।